आज हम आपको जल कंसील फ्लशिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको सिस्टम फिटिंग के लिए टूल्स की डिटेल बताते हैं। हल्की स्पैनर 10, 11, 12, 13, 18, 19 और स्क्रू ड्राइवर। चलिए सबसे पहले जल कंसील फ्लशिंग सिस्टम को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। यह कंसील फ्लशिंग सिस्टम की बॉडी है जो फुल फ्रेम, हाफ फ्रेम और दीवार में डायरेक्ट लगाई जा सकती है। बॉक्स में इसके पार्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव नेट, दो स्टील स्क्रू, प्रोटेक्टिव कवर, रबर सील, ज्वाइंट कप, दो फ्लश पुश रोड, दो पोल स्क्रू, एलबेंड पाइप तथा पुश प्लेट। आपकी सुविधा के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है ताकि आप कंसील फ्लशिंग सिस्टम को अच्छे से फिट कर सकें। अब हम आपको फुल फ्रेम के साथ जल कंसील फ्लशिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे। फुल फ्रेम में आपको फ्रेम की हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है। आप इसके बोल्ट को लूज करके इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको वॉल हंग सीट हैंग करनी है। यहाँ से आप वॉल हंग सीट के आउटलेट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रू को खोलने के बाद इस रबर सील को एल बैंड के आउटलेट पे फिक्स करना है तथा इस ज्वाइंट कप को भी लगाना है ताकि कोई सीमेंट या डस्ट पार्टिकल पाइप में ना जाए। अब हमें बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव नेट लगा देना है ताकि सीमेंट अच्छे से चिपक सके। अब हम जल कंसील फ्लशिंग सिस्टम की बॉडी को फ्रेम में फिट करेंगे। ब्लॉक लगाकर स्क्रू को टाइट करना है। इसके बाद अब इस यू क्लैंप की सहायता के साथ पाइप को फ्रेम के साथ फिक्स कर देना है। इसके बाद हम पुश प्लेट प्रोटेक्टिव कवर को लगाएंगे। प्रोटेक्टिव कवर का यह मैक्सिमम और यह मिनिमम कटिंग पॉइंट है। यहाँ हम वाटर इनलेट पाइप को टैंक से या एंगल स्टॉप बॉक्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यह देखिए हमारा सिस्टम फ्रेम में अच्छे से फिट हो गया है। टाई लगने के बाद ही प्रोटेक्टिव कवर को काटना है, नहीं तो डस्ट और सीमेंट पार्टिकल सिस्टम में चले जाएंगे और लीकेज की चांसेस हो सकते हैं। पुश प्लेट को फिट कर देंगे। पुश रोड को लगाएंगे। में पैनल फ्रेम फिट करेंगे। प्लेट के ऊपर दो बटन दिए गए हैं, एक हाफ फ्लश के लिए और एक फुल फ्लश के लिए। टाइल्स लगने के बाद यह जल क्रोम प्लेटेड पैनल ही नजर आएगा। थैंक यू।